वो माँ है जो एक मेले से आंचल में मीठी अमृत धार एक दासी की इतनी भी हिम्मत नहीं ना ही दशरथ का कोई वचन ले गया सिर्फ जन्मों जन्म का समर्पण रामचरितमानस जरूर पढ़ी होगी तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने तीन नगरों का वर्णन किया है सबसे पहले अयोध्या नगरी दूसरी मिथिला नगरी और तीसरी लंका नगरी तो अयोध्या नगरी और लंका नगरी में दो बातें हैं जो एक जैसी हैं अयोध्या नगरी में भी अच्छाई और बुराई है उधर लंका नगरी में भी अच्छाई और बुराई है अयोध्या नगरी की अच्छाई ये है कि वहाँ हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रहते हैं और बुराई ये है कि वहाँ पूरे मानस को दूषित करने वाली मंथरा रहती है और लंका नगरी की अच्छाई ये है लंका नगरी की अच्छाई ये है कि वहाँ प्रभु राम के अनन्य भक्त विभीषण जी रहते हैं और बुराई ये है कि प्रभु राम के पुरुषार्थ पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला रावण भी लंका नगरी में रहता है लेकिन मिथिला नगरी एक ऐसी नगरी है जहाँ पे बुराई नाम की कोई चीज ही नहीं आप मानस पढ़िए मानस से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं पढ़िए मिथिला नगरी में बुराई नाम की चीज नहीं है वहाँ सिर्फ अच्छाई और अच्छाई है ऐसा क्यों है क्योंकि वहाँ हमारी माँ जानकी निवास करती है और जहाँ माँ हो वहाँ कोई बुराई हो ये बात बिल्कुल असंभव है तो मैं वहीं से जोड़ता हूँ पंक्तियाँ पढ़ता हूँ माँ है तो ये जीवन चांदी सोना है माँ है तो ये जीवन चांदी सोना है माँ है तो ये सूरज चांद खिलौना है माँ है तो हर रोज दिवाली होली है माँ है तो हर रोज दिवाली होली है बिन माँ के सुना घर आंगन बिन माँ के सुना घर आंगन को ममता का व्यवहार छुपाए रहती है ममता का व्यवहार छुपाए रहती है खुशियों का बाजार छुपाए रहती है वो माँ है जो एक छोटे से आंचल में ये सारा संसार छुपाए रहती है वो माँ है जो एक छोटे से आंचल में ये सारा संसार छुपाए रहती है हर गम से तकरार छुपाए रहती है हर गम से तकरार छुपाए रहती है अश्कों का अंबार छुपाए रहती है वो माँ है जो एक मेले से आंचल में मीठी अमृत धार छुपाए रहती है वो माँ है जो एक मेले से आंचल में मीठी अमृत धार छुपाए रहती है वो माँ है जो एक मेले से आंचल में मीठी अमृत धार छुपाए रहती है और बात जब मानस से शुरू हुई है तो मैं चाहता हूँ वहीं पे केंद्रित रहूँ स्वागत मानस पूरा मानस पढ़ने के बाद एक पंक्ति जो सबसे ज्यादा टीस पैदा करती है कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी तापस वेश तो ये समय का चक्र था कि प्रभु राम को वन जाना पड़ा मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ हर कदम बस फूल के ऊपर पड़े या हर कदम बस फूल के ऊपर पड़े या भाग्य में संतास होगा कौन जाने हर कदम बस फूल के ऊपर पड़े या भाग्य में संतास होगा कौन जाने नियति सौंपेगी अवध की राजगद्दी नियति सौंपेगी अवध की राजगद्दी या सुबह वनवास होगा कौन जाने या सुबह वनवास होगा कौन जाने या सुबह वनवास होगा कौन जाने दादा स्वागत कुछ लोगों का मानना यह है कि प्रभु राम जो है मंथरा के कुटिल चालों में फंसकर बन गए अपने पिताजी अपने पिता दशरथ जी के वचनों में बंधकर बन गए तो जो राम मानस में लिखा गया कि राम अतर्क बुद्धि मन बानी कि जो राम तर्क अतर्क बुद्धि मन बानी सबसे परे हो वो किसी की कुटिल चालों में फंसकर वन चले जाएं किसी के वचनों में फंसकर वन चले जाएं ये बात सर्वथा अनुचित समझ में आती है और प्रभु राम वन क्यों गए मैं एक मुक्तक के माध्यम से पढ़ता हूँ स्वागत एक दासी
कितनी भी हिम्मत नहीं, एक दासी कितनी भी हिम्मत नहीं, ना ही दशरथ का कोई वचन ले गया, सिर्फ जन्मों जन्म का समर्पण भरा, सिर्फ जन्मों जन्म का समर्पण भरा, प्रेम शबरी का राघो कुवन ले जन्मों जन्म का समर्पण भरा, सिर्फ जन्मों जन्म का समर्पण भरा।